गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास वंस अगेन। एज लास्ट टाइम वी स्टार्टेड द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम स्नैपशॉट क्लास 11th, द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। दिस इज पार्ट सेकेंड ऑफ द सेम चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। पे अटेंशन ऑन एवरी पॉइंट स्टूडेंट। सो द स्टोरी इज अबाउट टू आर्मेनियन बॉयज, द फर्स्ट वन एरम, सेकेंड वन इज मुराद। सो एरम सेज लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स। वाई ही सेज दिस, कि मुझे कपड़े पहनने दो, क्यों कहा उसने। वैन मुराद केम इन हॉर्स टू मीट एरम, कॉल हिम टू कम डाउन। उस मुराद आया उस घोड़े पर सवार होकर, उसने एरम को आवाज़ दी कि वो नीचे आया अगर हॉर्स राइडिंग करना चाहता। तब एरम ने कहा लेट मी पुट सम क्लोथ्स, लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स। एरम ऑल राइट बट हरे, हरी अप, ठीक है जल्दी करो। एरम लीप्ड इन टू क्लोथ्स, जम्प्ड डाउन, लीप्ड अप ऑन टू हॉर्स बिहाइंड ऑफ मुराद। व्हाट डिड एरम डू? एरम लीप्ड इन टू क्लोथ्स, उसने कपड़े पकड़े जल्दी से बैट के ऊपर रखे हुए, जम्प्ड डाउन, नीचे छलांग लगा दी ग्राउंड में या अपने यार्ड में, तुरंत एक घोड़े के ऊपर और मुराद के पीछे से बैठ गया। एट द एज ऑफ वॉलनट एवेन्यू आई हैव रिटन दिस, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस वॉलनट एवेन्यू? सो वॉलनट एवेन्यू वह प्लेस है जहाँ मुराद और एरम रहते हैं। दिस इज़ अ कॉर्नर ऑफ दैट सिटी, वह एक कॉर्नर है, वॉलनट एवेन्यू कॉर्नर है, कॉर्नर प्लेस है जहाँ मुराद और एरम रहते हैं। सो फ्रॉम दिस वॉलनट एवेन्यू बिहाइंड द दिस वॉलनट एवेन्यू देयर इज हाउस, बिहाइंड द हाउस वॉज द कंट्री। उनके घर के पीछे से क्या स्टार्ट, गाँव शुरू हो जाता है। वाइनयार्ड्स कंट्री, वाइनयार्ड्स ऑर्चार्ड्स, इरीगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स, इस सब चीज़ों से अब वो राइडिंग करते हुए यहीं से जाना है उन्होंने। दे विल क्रॉस वाइनयार्ड्स ऑर्चार्ड्स, ऑर्चार्ड्स बाग, फल फूलों के बाग, फलों के बाग, ऑर्चार्ड्स एंड इरीगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स, यहाँ से होते हुए इन लेस देन 3 मिनट्स दे अराइव्ड एट ओलिव एवेन्यू। 3 मिनट से भी कम हुए ओलिव एवेन्यू पहुँच गए। नेक्स्ट इज दीज आर द पॉइंट और दैट शोज द फीलिंग ऑफ राइडिंग, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो उनकी फीलिंग ऑफ राइडिंग को शो करता है। द फर्स्ट पॉइंट इज हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट, सेकेंड वन इज एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, थर्ड वन इज द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, फोर्थ वन इज मुराद वन ऑफ द क्रेजियस्ट मेंबर बिगेन टू सिंग। यहाँ पर सिंग के लिए वो कहता है आई मीन रॉर, एरम क्या कहता है आई मीन रॉर। सो हॉर्स ने हिन हिनाना ट्रॉटिंग करना स्टार्ट कर दिया, जब मुराद ने उसे किक किया, उसके मसल पर किक किया और उसके लगाम को उसने खींचा, तो उसने ट्रॉटिंग करना स्टार्ट कर दिया। ट्रॉट करते हुए ही वो तेज़ी से आगे को बढ़ने लगा। उस समय के एरम कह रहा है कि एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, बहुत अच्छी हवा उसको फील होने लगी। हाँ, द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, उसे वह बहुत ही शानदार लगा हॉर्स की राइडिंग करना। मुराद सबसे क्रेजीएस्ट मेंबर माना जाता था सर परिवार का, वह जोर जोर से गाने लगा। तो यहाँ पर एरम कहता है आई मीन रॉर, ही वॉज नॉट सिंगिंग, ही वॉज रॉरिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट क्रेजी स्ट्रीक। क्रेजी स्ट्रीक मतलब एक ऐसा मेंबर होता है हर परिवार में, बताता है यहाँ पर, जो क्रेजी पागल साथ पागल सन की होता है। सो व्हाट इज द क्रेजी स्ट्रीक, हाउ डज ही एक्सप्लेन इट, एरम कैसे इसको एक्सप्लेन करता है, लेट्स सी दिस। एरम सेज दैट इन एवरी फैमिली देयर इज ए क्रेजी स्ट्रीक, मुराद नेचुरल डिसेंडेंट वॉज ऑफ द आर्मेनियन फैमिली।
मुराद भी एक नेचुरल डिसेंडेंट, इट मीन्स देयर वर ऑल्सो सम पीपल हु वर क्रेजी अबाउट एनी थिंग, तो उनको भी क्रेजी स्ट्रिक समझा जाता था। बिफोर मुराद हिज अंकल खसरो वॉज कंसिडर्ड द क्रेजी स्ट्रिक ऑफ द फैमिली। वट वॉज द नेचर ऑफ खसरो एंड हाउ वॉज ही लुक लाइक, कैसे था नेचर उनका, कैसे दिखाई देते थे। ही वॉज एन इनॉर्मस मैन विथ अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड लार्जेस्ट मॉस्टेच इन द सैन जैक्विन वैली। तो वो सैन जैक्विन वैली, यहाँ आने से पहले कौन, कहाँ आने से पहले, वॉलनट एवेन्यू में आने से पहले वे सैन जैक्विन वैली में रहा करते थे। तो वहाँ उन वो इस तरह के आदमी थे, बहुत इनॉर्मस, बहुत चौड़े हट्टे कट्टे, बहुत बड़ा सर, काले बाल, लंबे लंबे और लंबी लंबी मुच्छें उनकी हुआ करती थी। ही वॉज सो फ्यूरियस इन टेम्पर, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, बहुत चिड़चिड़े थे, सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट, देयर वॉज नो पेशेंट इन द मैन। ही स्टॉप्ड एनी वन सेइंग, किसी को भी चुप करा देते थे जोर से, सेइंग, सेइंग मीन्स शाउटिंग, चिल्ला करके, और वो चिल्लाते हुए क्या कहते थे, रिमेंबर दिस पॉइंट एवरीवन, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई हानि नहीं है, कोई हार्म नहीं है, इस पर ध्यान ही मत दो। ही यूज्ड टू से दिस। सो देयर इज अ जोक दैट द नैरेटर टेल्स अबाउट हिम, एक जोक भी उनके बारे में बताता है। व्हाट इज एरिक, हु इज एरिक, एरिक इज द सन ऑफ अंकल खसरो, अंकल खसरो का बेटा है एरिक। सो एरिक रन वेरी फास्ट, ही क्रॉस्ड 8 ब्लॉक्स एंड अराइव्ड टू द बार्बर्स शॉप वेयर खसरो वॉज हैविंग हिज मॉस्टेज ट्रिम्ड। एरिक दौड़ता हुआ 8 ब्लॉक क्रॉस करता हुआ बार्बर की दुकान पर पहुंचा, जहां खसरो क्या कर रहे थे, अपनी मॉस्टेज को, अपनी मुच्छों को ट्रिम करवा रहे थे। एंड ही सेड टू हिज फादर दैट देयर हाउस वॉज ऑन फायर, उसने पापा से क्या कहा, फादर आवर हाउस इज ऑन फायर, हमारे घर में आग लग गई है। एंड द मैन रॉड, खसरो रॉड, चिल्लाया जोर से, हल्ला करता, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, पे ये, ही रिपीटेड द सेम सेंटेंस, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। बट द बार्बर सेड द सेम थिंग दैट द बॉय इज सेइंग द योर हाउस इज ऑन फायर, लड़का कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। बट ही सेड, ही रॉड वंस अगेन, इनफ, इट इज नो हार्म, आई सेड, बहुत हो गया, मैंने कहा ना कोई हानि नहीं, इट इज नो हार्म। सो दिस टाइप ऑफ पर्सन वॉज कंसिडर्ड अंकल खसरो। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ खसरो वॉज कंसिडर्ड मुराद। मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ अंकल खसरो। मुराद को नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता है अंकल खसरो को। ऑल्दो मुराद्स फादर जोराब वॉज वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पर्सन, सो बोथ द सन एंड द फादर वर टोटली डिफरेंट, दीज आर टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, जबकि मुराद अपने अंकल से मिल खाता है। सो यहाँ पर एरम एक पॉइंट कहता है, रिमेंबर दिस पॉइंट यू ऑल, इन आर ट्राइब अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। हमारे ट्राइब में, हमारी जो ट्राइब थी, जो वंश था, उसमें एक आदमी अपने पिता का, एक पिता अपने बेटे के फ्लैश का तो हो सकता है मालिक, लेकिन उसके स्पिरिट का मालिक नहीं हो सकता। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स ऑफ आर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वैगरेंट। कैप्रिशियस मीन्स हु एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, ऐसा आदमी जो हर मोमेंट को एंजॉय करता है। एंड वैगरेंट अ वैगाबॉन्ड काइंड ऑफ पर्सन, सो इसका मतलब मनमौजी और घुमक्कड़ प्रकार की ट्राइब थी उनकी, तो इस तरह के मैच नहीं खा सकते। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स इन अवर ट्राइब्स हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही इस तरह के लोग उनकी फैमिली, उनके ट्राइब में पाए जाते हैं। सो देयर इज अ डिस्कशन बिटवीन मुराद एंड एरम व्हेन दे स्टार्टेड राइडिंग एंड मुराद वॉज सिंगिंग लाउडली और लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट
like running. They let the horse run as long as it felt like running. मुराद जोर जोर से गाते हुए तब तो उसने घोड़े को दौड़ाया जब तक घोड़ा दौड़ना चाह रहा था, जब तक घोड़े को थकान नहीं लग गई. सो मुराद सेट, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन. एडम, विल यू लेट मी राइड अलोन. तो मुराद ने कहा कि मुझे भी, एरम ने कहा मुझे भी घोड़े पर सवारी करनी है. जब उसने कहा उतरो, मुझे घोड़ा अकेले चलाना, तो एरम ने कहा मुझे भी करनी है, क्या मुझे भी चलना चलाने दोगे. तो मुराद रिप्लाइड, दैट इज अप टू द हॉर्स, गेट डाउन. यह हॉर्स पर डिपेंड करता है, तुम नीचे उतर जाओ. एरम, द हॉर्स विल लेट मी राइड, मुझे भी राइड करने देगा हॉर्स. मुराद सेट, वी शैल सी, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद हॉर्स. हम देखेंगे, लेकिन याद रखो कि मुझे घोड़े को कंट्रोल करना आता है, घोड़े के साथ मेरा मेरी बात बनती है. एरम, आई हैव ऑल्सो, आई हैव अ वे विद द हॉर्स ऑल्सो, मेरा भी घोड़े के साथ बात बनती है. एरम ने भी रिपीट कर दिया. मुराद, फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी लेट अस होप सो गेट डाउन. तुम्हारी सेफ्टी के लिए हम ऐसा ही चाहेंगे, फिलहाल उतर जाओ. सो एरम सेड, ऑल राइट, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन. लेकिन याद रखना, तुम्हें मुझे भी अकेले राइडिंग करने देनी है. देन एरम गॉट डाउन एंड ही सॉ दैट मुराद किक्ड हिज हील्स ऑन हिज मसल्स, ऑन इट्स मसल्स. मुराद ने किक किया अपने हील्स से, अपनी एड़ियों से उसकी मस घोड़े की मसल्स पर. And shouted, Vijayar, Vijayar was the name of horse at the time. मतलब उसने कहा कि शानदार तरीके से दौड़ो, दौड़ो अपनी भाषा में Vijayar. And the horse started running. And while the horse was running, horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed. That was the loveliest moment for Aram. जैसे उसने Vijayar का दौड़ने को ऑर्डर दिया, तो घोड़ा अपने हिंड लेग्स पर खड़ा हो गया, अपने पीछे के पैरों पर खड़ा हो गया. स्नॉर्टिंग उसने करी और फिर उसके बाद बिल्कुल तेजी से आगे को निकल गया. ये बहुत से लवलीएस्ट थिंग्स था एरम के लिए. मुराद रेस्ट अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 मिनट लेटर रिटर्न्ड. ही वॉज ड्रिपिंग वेट. मुराद ने रेस लगाई, मुराद रेन विद द हॉर्स राइडिंग ऑन इट, एंड ही क्रॉस्ड द फील्ड्स ऑफ ड्राई ग्रास की जो घुसे सूखे घास का जो मैदान था उसको पार किया, उसके इरिगेशन डिचेस पर वो पहुंचा. इरिगेशन डिचेस वर मेड फॉर इरिगेटिंग, यानी कि सिंचाई के लिए बनाए गए जो गड्ढे थे उनको क्रॉस करता हुआ. फिर उसके बाद डिच को क्रॉस करके 5 मिनट के बाद वापस लौट आया और वो पूरी तरह से भीगा हुआ था, बिकॉज इट वॉज मॉर्निंग टाइम एंड ही वॉज ड्रिप्ट वेट ड्यू टू मिस्ट एट द टाइम. एंड राइडिंग बाय एरम. अब एरम ने भी चीत करी थी, एरम ने भी प्रॉमिस किया था कि मैं भी दौड़ूंगा, और मुराद ने उससे वादा किया था कि वह उसे दौड़ने देगा. सन केम अप, टिल द टाइम, उसके राइडिंग के टाइम तक सन उग गया था. मुराद गॉट ऑफ, एरम रॉड leaped to the back of the horse. Horse not moved. Means मुराद नीचे उतर गया, एरम उस पर चढ़ा और फिर उसने घोड़े के बैक पर लपकते हुए बैठा, लेकिन घोड़ा हिला तक नहीं. तो मुराद ने उसको कहा, kick into his muscles. मुराद said, उसकी मसल्स पर किक करो. When मुराद kicked into the muscles of the horse, it roared. This is roared. Roared and snorted. घोड़ा roaring करने लगा, snorting करने लगा, और उसके बाद ran. Ran down the road to the vineyards of Dickren Halabian. उसे सीधा आगे को जाना था, लेकिन वह रोड से नीचे को उतर के Dickren Halabian के vineyard की तरफ बढ़ गया. Dickren Halabian was the name of a farmer. Heading next point, ran down the vineyards and leaped over the vines and around about after leaping over 7 vines, Murad fell down. 7 vines लगभग उस vineyards की पार करने के बाद मुराद नीचे
सॉरी एरम नीचे गिर गया, नरेटर आई आई नरेटर नीचे गिर गया, यानी कि एरम नीचे गिर गया। बट द हॉर्स कंटिन्यूड रनिंग, लेकिन घोड़ा क्या हुआ, दौड़ता रहा। गेटिंग नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन सी नाउ द हॉर्स हैज लॉस्ट, घोड़ा खो गया है। सो लेट्स स्टार्ट सर्चिंग हॉर्स, नेक्स्ट पॉइंट। तो घोड़े को खोजने के लिए क्या किया गया, मुराद केम रनिंग, हु केम रनिंग, मुराद, मुराद केम रनिंग डाउन एंड ही सेड ही गॉट टू गेट हॉर्स, उसने क्या कहा, चलो घोड़े को ढूंढते हैं। अच्छा इससे पहले कहा, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, जोर से शाउटिंग करते हुए, आई डोंट केयर अबाउट यू, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, गॉट टू गेट द हॉर्स, जल्दी से जल्द हमें घोड़े को ढूंढना है। सो यू विल गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तो सुनो रास्ता, मैं यहाँ से जाऊँगा तुम यहाँ से जाओगे। एंड ही सजेस्टेड बी काइंडली विद द हॉर्स इफ़ यू गॉट इट, अगर तुम्हें मिल जाता तो उसके साथ काइंडली से बिहेव करना। सो नाउ एरम वेंट डाउन द रूट, एरम को तो रोड से नीचे भेज दिया। एंड मुराद कहाँ से रहे, अक्रॉस द फील्ड्स टू द इरीगेशन डिचेस, इरीगेशन डिचेस की ओर को, फील्ड को पार करते हुए मुराद निकल गया। आफ्टर हाफ एन आवर दे वर वेरी सक्सेसफुल टू ब्रिंग द हॉर्स बैक, आधे घंटे के बाद उन्हें घोड़ा मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट, हाइडिंग द हॉर्स, नाउ इट वॉज द मॉर्निंग टाइम, उजाला हो गया था, सन उग गया था, सो बारी थी घोड़े को छिपाने की। तो उन्होंने इस घोड़े को छिपाने के लिए क्या क्या किया, वी शैल नो इन दिस पॉइंट्स। हाइडिंग द हॉर्स, होल वर्ल्ड वेक नाउ, इधर टेक हिम बैक और हाइड हिम समवेयर, ये दो प्रॉब्लम थी। पूरा संसार उड़ गया था, यानी कि सब लोग उड़ गए थे, उजाला काफ़ी अच्छा हो गया था। तो उन्होंने डिसाइड किया, व्हेन द एरम आस्क्ड व्हाट दे विल डू नाउ, अब वे क्या करेंगे। तो मुराद ने कहा, आइदर दे विल टेक द हॉर्स बैक टू देयर होम और हाइड हिम, या तो वे उसे अपने घर ले जाएंगे या फिर उसे छिपाएंगे। तो मुराद यहाँ पर एरम को पता था, घर तो ले नहीं जा सकते, तो ज़रूरी है छिपाएंगे छिपाएंगे। तो उसने क्वेश्चन जानबूझ कर पूछा, वेयर टू हाइड, कहाँ छिपाना है। तो मुराद ने बोला, कहीं ना कहीं तो छुपाना है, वी शैल हाइड इट समवेयर, वी शैल अरेंज अबाउट दिस। सो अब शक हो गया मुराद एरम को कि इसके पास ये घोड़ा बहुत टाइम से है। तो उसने कहा, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टेल द हॉर्स, कितना समय हो गया ये घोड़े को चुराए हुए तुम्हें, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टेल द हॉर्स। देन मुराद सेड, हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टेलिंग द हॉर्स, क्या किसी ने कुछ घोड़े की चोरी के बारे में तुमसे कहा है, किसने कहा। ही आस्क्ड दिस, मुराद आस्क्ड दिस। नाउ हिज डाउट कन्फर्म्ड, अब एरम का डाउट क्या हो गया, कन्फर्म हो गया। सो ही आस्क्ड, हाउ लॉन्ग एगो यू स्टार्टेड राइडिंग, कितने समय से तुम राइडिंग कर रहे हो, कब तुमने राइडिंग करनी शुरू करी। तो मुराद ने कोई जवाब नहीं, कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया। वह वर्कड टू अ बार्न ऑफ वाइनयार्ड, वह एक वाइनयार्ड के बार्न की तरफ, बार्न मीन्स वेयर द वाइनयार्ड वर टोटली डिस्ट्रॉयड एंड ड्राइड अप, वो वाइनयार्ड पूरी तरह सूख गया था, तो बिल्कुल बार्न बेकार था। तो उस बार्न की तरफ वह चल दिया। एंड इट वॉज द बार्न ऑफ फैट वेजियन, फैट वेजियन का बार्न था ये। फैट वेजियन वॉज वन ऑफ द फेमस फार्मर एट एनी टाइम, एट अ टाइम, एक समय बहुत अच्छा फार्मर था, बहुत रिच फार्मर था, उसका बांध में उसे छुपा दिया। देयर वर सम ओट्स, ओ ए टी एस, ओट्स एंड ड्राई अल्फा अल्फा, वहाँ कुछ ओट्स और अल्फा अल्फा के पेड़ थे जो घोड़े के लिए वहाँ रखे हुए थे।